रमेश सिंह, भारतीय जनता पार्टी पकरोला मंडल महामंत्री। होली रंगों का त्यौहार है और भाईचारा का महापर्व है। हम सभी को एक बार देश में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण रूप से बहुमत दे करके एक भाईचारा का परिचय दें, सनातनी का परिचय दें, यही हमारी विनती है। और एक बार और होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं। पश्चिमी दिल्ली के मटियाला विधानसभा के रानाजी इनक्लेव में भाजपा के संयोजक रमेश सिंह ने होली मिलन समारोह कार्यक्रम को आयोजित किया। आपको बता दें, इस कार्यक्रम में पश्चिमी दिल्ली के लोकसभा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित थी। बहरहाल आपको बता दें कि होली मिलन कार्यक्रम के साथ साथ सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रीति भोज का भी आयोजन किया गया था। होली का पावन भोज यानी मुख्य भोजन कढ़ी चावल है, जिसकी खास व्यवस्था यहां की गई। वहीं सांस्कृतिक कार्यक्रम, रंगारंग कार्यक्रम, गीत संगीत नृत्य का भी आयोजन हुआ। वर्तमान का टिकट काटकर आलाकमान ने आप पर भरोसा किया है, अब आप जनता का भरोसा कैसे जीतेंगे? वर्तमान का टिकट काटकर बहुत बड़ा एक संकट है। सत्ता और शासक चलते हैं, आपस में दायित्व परिवर्तन होते रहते हैं, ये टिकट काटना नहीं है। और जो रही बात काम करने की, तो जो पहले काम बहुत अधिक हुए हैं प्रवेश के समय पे, वीआर रोड का उद्घाटन भी प्रधानमंत्री जी ने किया है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बने हैं, हॉस्पिटल डेवलपमेंट बना है, हम उन कामों को आगे बढ़ाएंगे। और प्रधानमंत्री जी के जो योजनाएं पूरे आपके ये वर्ग के लिए उपयोगी हैं, जैसे कि उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री जी की लोन योजना, बीमा सुरक्षा योजना, उनको लोगों के बीच में लेकर उनका फायदा कैसे लिया जा सकता है, इसकी उनकी मदद करेगी। अब की बार 400 पार का ये नारा लगा है, इस 400 पार में यहाँ की सीट जीत कर आप कितना भरोसा रखती हैं? यहाँ की जीत निश्चित है, और पिछली बार भी हमें तकरीबन 56% वोट मिले थे, इस बार हम 60% से पास होंगे, 60% से अधिक वोट मिले। बहरहाल आपको बता दें कि कमलजीत सहरावत ने जहाँ लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि वे अपने लोगों के बीच आई हैं, छठ मैया की कृपा उन पर हुई है और रानाजी इनक्लेव के तमाम वासियों के माध्यम से उन्हें यह सीट मिली है, तो जीत भी अब उनके द्वारा ही तय होगी। साथ में आपसे आशीर्वाद भी लेने आई हूँ आने वाले चुनाव के लिए, लेकिन मैं क्या आशीर्वाद लूंगी राणा जी इनक्लेव से, ये टिकट तो राणा जी इनक्लेव की छठ मैया ने दी है। ये छठ घाट गवाह है। 2008 में विधानसभा चुनाव का चर्चा चल रहा था कि टिकट होना है, और मुझे विजय भाई ने और पूरी टीम ने छठ घाट पर बुलाया राणा जी इनक्लेव पर, और उस समय लगातार मीटिंग चल रही थी पार्टी में, मैं भी थोड़ा पहुंचना चाह रही थी, जल्दी में थी, तो मैंने फटाफट अपना मत्था टेका, माँ से आशीर्वाद मांगने के लिए जो मांगना था मांगा और मैं चली गई। 3 दिन बाद मेरी टिकट हो गई निकले, 3 दिन बाद मुझे मटियाला विधानसभा का चुनाव लड़ने का मौका मिला। बहुत अच्छा चुनाव रहा, सब रहा, लेकिन कुछ कमी रह गई तो चुनाव नहीं जीती। मैंने जीतने के बाद ध्यान किया कि क्या क्या कारण हो सकते हैं चुनाव ना जीतने के, तो उसमें कुछ बातों में एक बात ये भी निकल कर आई कि जो आप मांगेंगे माँ वही तो देंगी। तो मैंने 2008 में कहा था माँ मुझे विधानसभा की टिकट देना, मैंने जीत तो मांगी ही नहीं थी, तो जो मैंने मांगा वो दे दिया। लेकिन 2008 से भी मैंने पल्ले बांध लिए, और आपको भी कह रही हूँ पल्ले बांध लेना, जब मांगो तो शांति से पूरा मांगना, अधूरा होकर टिक देता है। उसके बाद लगातार मैं हर साल आती हूँ, और हर साल मेरी ये टीम मेरे साथ होती है, विजय भाई बुलाते हैं, गणपत जी होते हैं, एबीजी नहीं रहे, लेकिन लगातार हमारी टीम साथ होती है। और मैं एक ही बात कहती हूँ माँ, इस बार जिंदगी में जब भी आप मौका दें कभी भी देना, लेकिन जब टिकट देना तो जीत साथ देना, अधूरा मत। बहरहाल
कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। आपको बता दें कि रमेश सिंह भाजपा के संयोजक ने होली की शुभकामनाएं भी दी और उन्होंने कहा कि इस पावन पर्व पर फगवा के तौर पर हम सब भाईचारे के रूप में इस पावन होली के महापर्व पर यह संकल्प लेते हैं कि मोदी को एक बार फिर से देश की कुर्सी पर बिठाएंगे। बहरहाल उन्होंने रामलला को स्थापित किया, एक अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हुआ और एक नई रामधुन पूरे देश में अलख जग पड़ी है। ऐसे में यह विकास रथ और यह विकास और मोदी का यह परिवार उन्हें एक बार फिर से अपना प्रधान सेवक चुनेंगे। मेरा परिवार, मोदी परिवार, मेरा परिवार, मोदी परिवार, मोदी परिवार। आपको बता दें कि होली मिलन समारोह के अवसर पर तमाम गणमान्य अतिथि, तमाम नेता और जनप्रतिनिधि सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं, दर्शकों में भी खासा उत्साह था और भाजपा एक बार फिर 400 के पार नारे जैसे शब्द से गूंज उठा और इसके साथ ही लोगों ने कहा एक बार फिर से मोदी सरकार। अब देखना होगा कि इस होली मिलन के साथ साथ वोटों का मिलन भाजपा के साथ कब और कैसे होती है और किस तरह 400 का पार का नारा सफल होता है। ठाकुर महीना में सबसे जवानी चढ़ लग अपना बुढ़िया से कहा तो आज के लिए इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अनुभवी आंखें न्यूज और पढ़ते रहिए अनुभवी आंखें अखबार। सोशल साइट्स ऑनलाइन चैनल पे जाकर आप हमारे चैनल्स को देख सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दोस्तों, आप हमसे जुड़ने के लिए अपना पासपोर्ट साइज फोटो और एक आधार कार्ड की फोटो कॉपी हमें भेज दें और हमसे जुड़ें। हमारे से जुड़ने के लिए इस नंबर पे आप हमसे बात कीजिए। हमारा नंबर है 8826227802।